गाड़ी में सनरूफ होना एक ऐसा फीचर है जिसके लिए लोग 5 से 6 लाख रुपए भी एक्स्ट्रा देने के लिए तैयार हो जाते हैं, और जो लोग इसको नहीं अफोर्ड कर पाते वो पहुंच जाते हैं सीधा करोल बाग अपनी गाड़ी में आफ्टर मार्केट सनरूफ लगवाने। कभी रस्ते में तुम्हें ऑल्टो या वैगनआर पे सनरूफ लगी हुई दिखे तो हैरान मत होना, ये अपना भारत है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है भाई। और तो छोड़ो, जिसका ये करोल बाग वाली सनरूफ लगवाने का भी बजट नहीं है वो अपनी गाड़ी पे एक काला स्टिकर लगा लेते ताकि ऐसा लगे कि गाड़ी में सनरूफ है। बंदा एकदम मस्त सोच के गाड़ी में जाएगा कि भाई गाड़ी में तो सनरूफ है, अब राइड को एंजॉय करते हुए जाएंगे, और गाड़ी में बैठ के पता चलता है भाई का तो कट गया। अभी रिसेंटली एक वीडियो वायरल होती है जिसमें स्विफ्ट गाड़ी में एक आफ्टर मार्केट सनरूफ इंस्टॉल करी जा रही होती है। भाई इसकी तो पहली एनकैप रेटिंग कुछ नहीं और तुमने सनरूफ इंस्टॉल करके उसको और नेगेटिव में कर दिया है। जिस देश में छोटी मोटी एक्सेसरीज लगवाना तो इलीगल है, वहाँ पे तुम्हें क्या लगता है ये सनरूफ लगवाना लीगल होगा? इसीलिए बच के रहना, क्योंकि इसके बाद तुम्हारी गाड़ी इंपाउंड हो सकती है। ये जो कंपनी फिटेड वाली सनरूफ होती है इसकी गाड़ी की चेसी उसी हिसाब से डिजाइन करी जाती है ताकि गाड़ी की सेफ्टी रेटिंग में कोई इशू ना आए। ऐसी उल्टी सीधी चीजों से बचो और जाने से पहले एक्सप्लोर विद मास्टर को फॉलो करो।